तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन उस जगह से कुछ मेडिसिन्स खरीदता है जिसका बिल 38,000 सिल्वर कॉइन का बनता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्विंचैन के पास इतने पैसे कभी नहीं हो सकते हैं। और तभी गीजाओ बोलता है कि अगर क्विंचैन के पास यहाँ पर इतने पैसे हुए तो वह उस जगह पर रखे हुए टेबल को खाएगा। अब क्विंचैन अपने स्पेस रिंग से वह पैसे निकालकर मैनेजर को दे देता है और अब वह बोलता है कि तो यहाँ पर कौन इस टेबल को खाने वाला है। यह सुनते ही गीजाओ वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने बात से पलट जाता है। वहीं पर मौजूद सभी लोग गीजाओ को देखकर सोच रहे होते हैं कि यह झूठ बोलने में काफी माहिर है। वहीं गीजाओ सोच रहा होता है कि आखिर मैंने यह बात बिना कुछ सोचे समझे क्यों कही। तभी क्विंचैन बोलता है, मेरी मॉम ने मुझे बचपन से ही एक बात सिखाई है कि इंसान को कभी भी उसके बात से नहीं पलटना चाहिए, और जो इंसान अपनी बात से पलट जाता है वह जानवरों से भी बदतर होता है। यह सुनकर गीजाओ काफी ज्यादा एम्बेरस फील करता है और अब वहां पर उन ट्रेजर मटेरियल्स की बैटिंग स्टार्ट होती है। अब वहां पर उन पत्थर मिट्टी से ढके हुए चीजों को लेकर आया जाता है, जिसके बाद सभी लोग उसे देखकर सोचने लगते हैं कि इस बार शायद उन्हें कोई काफी महंगा ट्रेजर मिल जाए। अब क्विंचैन लिंगटियान से उस जगह से चलने के लिए बोलता है। तभी लिंगटियान बोलता है कि उन्हें इस बैटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि इस जगह से 10 सिल्वर कॉइन की चीजें भी खरीदने से उसके अंदर से कोई सुवान लेवल का ट्रेजर निकल सकता है, जिससे वह लोग बिलियनियर बन सकते हैं। अब लिंग टियान की बात सुनकर क्विंचैन उसे देखने के लिए जाता है। वहीं पर खड़ा आदमी बोल रहा होता है कि यह सभी चीजें काफी ज्यादा पुरानी हैं, तो इनकी कीमत पिछली बार से कहीं ज्यादा है और इन सभी चीजों की कीमत इनके सामने लिखी हुई है। अगर आप लोग चाहो तो बैटिंग करके इसकी कीमत को बढ़ा सकते हो। अब उन सब चीजों को देखकर लिंगटियान बोलता है, क्विंचैन इनमें से कई चीजों की कीमत 100 सिल्वर कॉइन से नीचे की है, तो हमें यह खरीदना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लकी हुए तो हमें कोई सीक्रेट ट्रेजर मिल सकता है। तभी गीजाओ लिंगटियान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी लिंगटियान गुस्से में बोलता है, तो क्या यह सब कुछ लक पर डिपेंड नहीं करता है? गीजाओ बोलता है, बिल्कुल नहीं, यह सब कुछ तुम्हारे नॉलेज पर डिपेंड करता है। तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है और अपनी नॉलेज का यूज करके तुम यहाँ पर कोई चीज चुनते हो, और मैं इन सब चीजों के बारे में कई दिनों से सीख रहा हूँ, और अपनी नॉलेज के बदौलत मैंने इस जगह से कई सारे ट्रेजर्स कलेक्ट किए हैं। और अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग गीजाओ की बात से सहमत होते हैं और बोलते हैं कि गीजाओ को हमेशा इस जगह से कोई ना कोई जेड मिलता है। और यह बोलकर वह सभी लोग वहां पर क्विंचैन और लिंगटियान की बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं पर क्विंचैन सोच रहा होता है कि गीजाओ यहां पर बिल्कुल सही बोल रहा है, पर मैं यह बात भी जानता हूं कि गीजाओ को यहां पर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता और वह बस इस जगह से बढ़िया चीजें देखकर उठाता है, और ट्रेजर टावर के लोग इस जैसे पर्सन को यहाँ पर बेवकूफ बनाते हैं। तभी गीजाओ के साथी उसे वहां पर ट्रेजर चुनने के लिए बोलते हैं, और अब गीजाओ आगे बढ़कर वहां पर एक मिट्टी के ढेर को उठा लेता है जिसकी कीमत 10,000 सिल्वर कॉइन होती है। अब गीजाओ वहां पर उस मिट्टी के ढेर के अंदर से ट्रेजर निकालने के लिए बोलता है। तभी एक ओल्ड मैन एक वेपन का यूज करते हुए वहां पर एक क्रिस्टल निकालता है, जिसे देखकर गीजाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि यह तो कोई जेड है। यह देखकर सभी लोग गीजाओ की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहां पर मास्टर यांग आते हैं और अब गीजाओ उन्हें वह जेड दिखाते हुए उसकी कीमत के बारे में पूछने लगता है। अब मास्टर यांग उसे चेक करता है और गीजाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि यह एक रेयर जेड है और यह एक सेकेंड क्लास ट्रेजर है जिसकी कीमत 50,000 सिल्वर कॉइन होगी। यह सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं कि गीजाओ को यहाँ पर बस एक मिनट के अंदर ही 5 गुना फायदा हुआ। तभी एक पर्सन वहाँ पर आगे बढ़ता है और गीजाओ से उस जेड को खरीदने की मांग करता है, पर गीजाओ उसे मना कर देता है और बोलता है कि वह यह जेड यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लेडी को देना चाहता है, और अब वह मिस यान के पास जाकर उसे वह जेड दे देता है। अब मिस यान उस जेड को एक्सेप्ट करती है
और गिजाओ को वहाँ पर थैंक्स करती है। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग जलने लगते हैं। वहीं पर खड़ा क्विंचैन सोचने लगता है कि कोई भी अच्छा रिफाइनर और अल्केमिस्ट अपनी मेंटल पावर का यूज करके यह देख सकता है कि कोई जेड अपनी अच्छी हालत में है या नहीं, और यहाँ पर मुझे इस जेड की हालत अच्छी नहीं लग रही है। अब यह सब देखकर लियांग पेंग को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह भी एक ट्रेजर चुनने के लिए आगे बढ़ता है। अब लियांग पेंग वहाँ पर एक पत्थर को चुनता है जिसकी कीमत 20,000 सिल्वर कॉइन होती है। अब वह ओल्ड मैन आगे आकर उस पत्थर को तोड़कर उसमें से एक केटली निकालता है, जो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं क्या यह कोई ट्रेजर है। वहीं पर उस केटली के ऊपर एक पैटर्न बना होता है जिसे देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि यह तो पक्का एक ट्रेजर है। अब उस पैटर्न को देखकर क्विंचैन सोचने लगता है कि यह तो डार्क एज का पैटर्न है और टियानवू कॉन्टिनेंट में सालों पहले डार्क एज हुआ करता था, पर इस बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और डार्क एज से पहले इस जगह पर काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स हुआ करते थे जो कि एम्परर लेवल से भी ऊपर के थे, पर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वह गायब हो गए, जिसके बाद इस जगह पर डार्क एज की स्टार्टिंग हुई। अब मास्टर यांग उस केटली को देखकर बोलते हैं कि यह सच में एक ट्रेजर है, और यह बात साबित होती है इसके ऊपर लिखे हुए इस पैटर्न से, पर यह पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो गया है और मेरे ख्याल से यह थर्ड ग्रेड ट्रेजर है, और अगर इसे ऑप्शन हाउस में रखकर बेचा जाए तो इसकी कीमत 70,000 या 80,000 सिल्वर कॉइन से स्टार्टिंग होगी। यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर लियांग पेंग की तारीफ करने लगते हैं, और अब लियांग पेंग उस केटली को लेकर वहाँ पर मिस यान को दे देता है और बोलता है कि यह मेरी ओर से आपको एक गिफ्ट है। अब उन्हें देखकर क्विंचैन सोचने लगता है इन लोगों के पास सच में बहुत पैसा है, पर मुझे यह केटली कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तभी लिंगटियान बोलता है, क्विंचैन क्या तुम सोच सकते हो कि इस बेकार जैसी दिखने वाली केटली की कीमत 80,000 सिल्वर कॉइन होगी। और तभी क्विंचैन को उस केटली के बारे में याद आ जाता है। वहीं पर सभी लोग लिंगटियान की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं कि मास्टर यांग ने यहाँ पर खुद इस केटली को एक थर्ड ग्रेड ट्रेजर कहा है, तो तुम इसे बेकार की चीज कैसे बोल सकते हो। लिंगटियान अब अपनी बात को संभालने की कोशिश करता है। तभी लियांग पेंग बोलता है, मास्टर यांग इन लोगों को ट्रेजर्स की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो इन लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मास्टर यांग मैनेजर सू से बोलता है कि आखिर इन दोनों को यहाँ पर कौन लेकर आया है। तभी मैनेजर सू बोलता है कि यह हमारे कस्टमर है और इन्होंने हमारे पास से कई सारी चीज़ें खरीदी है। तभी मास्टर यांग बोलता है, तुम किसी भी कस्टमर को इस जगह पर नहीं ला सकते हो, और जो लोग यहाँ पर इन ट्रेजर्स की कीमत करना नहीं जानते हैं उनका मेरे ट्रेजर टावर में कोई काम नहीं, तो इन लोगों को अभी यहाँ से बाहर निकालो। अब लिंगटियान अपनी गलती के लिए वहाँ पर क्विंचैन से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तभी क्विंचैन बोलता है, ट्रेजर टावर हमें यहाँ पर वेलकम करना नहीं चाहता है, तो हमें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। वैसे उस वक्त तुमने सही कहा था, वह केटली एक बेकार चीज़ है, कोई रियल ट्रेजर नहीं। तभी मास्टर यांग गुस्से में क्विंचैन को रोकता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि मैंने उसे खुद चेक किया है, वह एक ट्रेजर है। क्विंचैन बोलता है, बेकार चीज़ को बेकार ही कहा जाता है, और किसी बेकार चीज़ को अगर कोई मास्टर ट्रेजर कह दे तो वह बेकार चीज़ ट्रेजर नहीं हो जाती है। यह सुनते ही मास्टर यांग को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि मैं यांग यान, मैंने अपनी लाइफ में अनगिनत ट्रेजर्स को देखा है और इस जगह पर मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री की नॉलेज किसी के भी पास नहीं है, और तुम यहाँ पर कहना चाहती हो कि मैं इन सभी लोगों को धोखा दे रहा हूँ। अब वहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि मास्टर यांग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उस केटली का पैटर्न भले ही डैमेज है पर अगर उसे ठीक कर दिया जाए तो वह केटली एक काफ़ी अच्छा ट्रेजर बन सकती है। तभी मास्टर यांग बोलता है, यंग मैन तुमने आज यहाँ पर मेरी और मेरे ट्रेजर टावर की बेइज्जती की है, पर मैं तुम्हें अभी भी माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम सभी पब्लिक के सामने मुझसे घुटने टेक कर माफ़ी मांगो, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें इस ट्रेजर टावर से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और अब वहाँ पर गार्ड्स आकर क्विंचैन को चारों ओर से घेर लेते हैं, जो देखकर क्विंचैन बोलता है, तो तुम मेरा मुंह खुलवा कर ही रहोगे।
और अब वह बोलता है कि मैं बस यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, और अगर इस केटली के पैटर्न को फिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी मास्टर यांग बोलता है यह पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इस पैटर्न की नॉलेज इस जगह पर किसी के भी पास नहीं होगी। तभी क्विंचैन बोलता है मैं यह साबित कर सकता हूँ कि यह कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक बेकार चीज़ है, बस मुझे यहाँ पर एक पैटर्न पेन चाहिए। अब मिसियान क्विंचैन के पास जाकर वह केटली दे देती है और बोलती है कि यह एक काफ़ी कीमती ट्रेजर है, तो यहाँ पर जो भी करना संभल कर करना। यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्या क्विंचैन को सच में लगता है कि वह इस पैटर्न को फिक्स कर सकता है। और तभी वहां पर लियांग पैंग एक पैटर्न पेन क्विंचैन को देता है, जिसे लेते ही वहां पर क्विंचैन उस पैटर्न को फिक्स कर देता है। और अब वह केटली लियांग पैंग को फेंक कर उसे देखने के लिए देता है, जो देखकर लियांग पैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं यह देखकर सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।